सरकार गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन ये योजनाएं गरीबों तक कितनी पहुंच पाती है, ये वाकई अपने आप में बड़ा सवाल है। अजयगढ़ के इस गरीब परिवार को आजादी के 75 साल बाद भी सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। यहां तक कि शौचालय जैसी कई योजनाओं का लाभ भी इस गरीब परिवार को आज तक नहीं मिला है। हालात ये हैं कि महज एक बीपीएल कार्ड और एक समाज सेवी की मदद से परिवार के 7 लोगों का जीवन गुजर रहा है। आदिवासी परिवार में एक विकलांग है जिसके पास सहारे के लिए ट्राई साइकिल तक नहीं है। कच्चे झोपड़े में रहकर किसी तरह ये गरीब परिवार अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। दिक्कत तो ऐसी है भाई साहब की, दिक्कत अब ऐसा है कि ना बे मान लो कुटीर मकान अकान दई नहीं जा ना वो मकान दई, और लड़का मोरो 20 साल को है ना वो घर वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिल रहा हो, और एक तारो सट है उखे भी मान लो ऐसे ही या फिर विकलांग भी बताया जा रहा है ना उसको विकलांग को पेंशन ना कुछ मकान ही नहीं था हुआ था वो तो काम में है बताओ कुछ भी मिला था हमारी दिक्कत हमारे दोस्त है पाग लंगड़ा लूला लड़का बच्चा है और ये डर वही रहा थे एक तो तना उठाई लिए थे और बिल्कुल घर मकान सब ऐसा ही है। शासन द्वारा आपको कॉलोनी एलोनी बनवाई गई है? कुछ नहीं मिली हुआ ना कॉलोनी एलोनी कुछ नहीं। अच्छा आप पेंशन दी जा रही है? नहीं कुछ नहीं मिलता। अच्छा आपने इस मांग को लेकर के सेक्रेटरी सरपंच से बात की है? हाँ। वो क्या बोल रहे हैं? वे कह रहे हैं कि अबे कुछ नहीं आओगे हमका दे। रन्नी आदिवासी का परिवार है जो बहुत ही असहाय है। उसके दो बेटे हैं, दोनों पूरी तरह से विकलांग हैं। एक तो मान लीजिए कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बेकार है, हालत उसकी ठीक नहीं है, और दूसरा ऐसा है कि पूर्ण रूप से दिव्यांग है। तो ऐसे परिवार के लिए अब उनके पास ना खेती है ना बाड़ी है, एक बीघे के लगभग खेती है, और शासन द्वारा उन्हें क्या मदद? शासन द्वारा उन्हें उनके पास बीपीएल है, लेकिन बीपीएल में गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे, इसके अलावा तो बाकी चीज़ों के लिए उनको लगना पड़ेगा ना। और एक बेटा ऐसा है जिसे विकलांगता की पेंशन मिलनी चाहिए तो उसको पेंशन भी नहीं मिलती है, अभी उसका आधार कार्ड तक नहीं बना, उसके हिस्से का उसको राशन भी नहीं मिलता, उसका आधार कार्ड नहीं बनता, और बहुत दिक्कतें हैं उसको।